हेमा की रसोई में स्वागत है आप सबका दिल से हमेशा की तरह। अब है बसंत पंचमी तो मैंने सोचा क्यों ना सरस्वती जी का भोग लगाया जाए, बढ़िया से केसरिया चावल बना के। तो देखिए केसरिया चावल मैंने कितने बढ़िया से बनाए हैं, देखिए वाह, देखते से आ जाए मुंह में एकदम से पानी। तो जल्दी से हम रसोई में चलते हैं और बनाते हैं केसरिया राइस। बना रहे हैं बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी केसरिया पीले चावल जो कि बसंत पंचमी को जरूरी बनते हैं। तो ये मैंने लिया है थोड़ा अच्छा सा बासमती लंबा लंबा राइस, जिसको मैंने पानी में अच्छे से धो के गला दिया था। और आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक बताऊंगी डायरेक्ट बिल्कुल पीले चावल कैसे बनाए जाते हैं। तो मैंने कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है देखिए, और अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे एक चम्मच घी पूरा। मीठी चीज़ें हमेशा तो शुद्ध घी में ही अच्छी लगती हैं। घी को हम अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। ये देखो मैंने केसर के धागों को दूध में डाल दिया है और ये देखिए कलर छोड़ना इसने शुरू कर दिया है। जब तक हमारे राइस बनेंगे जब तक इसमें कलर अच्छे से आ जाएगा, और अगर कलर अच्छे से नहीं आता तो थोड़ा सा आप लेमन फूड कलर भी डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, घी हमारा गर्म हो गया है तो सबसे पहले मैं डाल दूंगी थोड़े से सौंफ। मीठी चीज़ों में सौंफ बहुत ही बढ़िया लगती है और इसको हम अच्छे से तड़क में देते हैं। और डाल दूंगी छिलके सहित ही दो इलायची, देखिए इससे इसकी खुशबू और देखने में भी बहुत ही बढ़िया सा लगता है, देखिए। और अब हम क्या करेंगे, अपने सारे राइस को इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से भूनेंगे करीब 7 से 8 मिनट, जिससे कि घी भी अच्छे से भून जाए। ये देखिए घी, घी में चावलों को बहुत ही अच्छे तरीके से हम भूनेंगे, जब तक भूनेंगे जब तक कि घी जो है ये एकदम से अच्छे से इसमें चावलों में मिक्स ना हो जाए। देखिए थोड़े चावल उचकते हैं इसलिए आप थोड़ा सा सिम पे इसको अच्छे से भूनिएगा, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हम इनको कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है आपको, घी एकदम से अच्छे से तैर रहा है इसमें, अच्छे से दिखने लगा है। तो थोड़ा सा हम चावलों को इतना भूनेंगे जिससे कि घी इसमें चावलों में अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए करीब 7 से 8 मिनट इसको अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए चावल हमारे अच्छे से भून गए हैं, काफ़ी अच्छे भून गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जितने हमने राइस दिए थे ना उससे ठीक डबल हम इसमें पानी डाल देते हैं। देखिए मैंने एक कटोरी ये वाला नाप के राइस लिया था, तो ये 2 कटोरी भर के हम इसमें पानी डाल देंगे। अभी से इसमें इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, बहुत ही बढ़िया इलायची और सौंफ की खुशबू आ रही है। ये देखिए बहुत ही इजी तरीका है हमारा राइस बनाने का। अब हम इसमें एक उबाल आने देते हैं, उसके बाद इसमें हम लिड से ढक देंगे। एकदम बढ़िया सा उबाल आ गया है, ये देखिए ना ही कुकर का झंझट है ना ही चावल पहले बना के रखने का झंझट है। आज मैं आपको एकदम भी बिल्कुल ही ईजी तरीका बता रही हूँ। देखिए अच्छे से उबाल आ गया ना, अब हम क्या करेंगे इसको यहाँ रख लेंगे और इसको लिड को ढक देंगे करीब 7 से 8 मिनट, और इसको हम सिम पे ही बनाएंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं और देखिए हमारे राइस बन के एकदम हो गए हैं रेडी, देख रहे हैं आप कितने बढ़िया हैं। अभी इसमें थोड़ी सी कसर है तो अब हम क्या करेंगे, इसी स्टेज पे डाल देंगे शुगर। तो जितने हमने राइस लिए थे उतनी ही शुगर और उतना ही डबल उसका पानी है, देखिए है ना। और इसी में डाल दूंगी मैं ये केसर वाला दूध ही, देखिए तो इसमें कलर भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और फिर इसको वापस से 4 मिनट के लिए हम लिट लगा कर रख देते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सेफ्रॉन कलर, फूड कलर, ये देखिए क्योंकि हमारा कलर उससे बहुत अच्छा नहीं आया ना, तो मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। देखिए वाह एकदम से बिल्कुल ये केसरिया कलर हमारा एकदम आने वाला है और शक्कर भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसी स्टेज पे हम चावलों को बनने देंगे करीब 4 से 5 मिनट और अच्छे से, जिससे कि ये अच्छे से खिले खिले हो जाएं। वाह 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और कितने बढ़िया दिख रहे हैं आपको, ये देखिए कितने खिले खिले और कितने अच्छे दिख रहे हैं ना एकदम। ये देखिए नीचे तली में भी एक बिल्कुल नहीं लगा हुआ है देखिए, और हमारे बनाने का जो तरीका है वो कितना ईजी है देखो, और कलर भी कितना अच्छा आया है ना। ये हमारे राइस बनके हो गए तैयार। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, आप चाहें तो इनको तल के भी डाल सकते हैं, बट मुझे ऐसे कच्चे ही अच्छे लगते हैं तो मैं इसमें डाल देती हूँ। और गैस को हम कर देते हैं बंद और इसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसे छोड़ देते हैं, जिससे कि ये जितना भी इसमें चाशनी वगैरह है ये सब चावल जो है वो ऑब्जर्व कर लेगी, और इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए हम इस बाउल में इसको शिफ्ट कर देते हैं और करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो तैयार है हमारे बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी, देखने में देख रहे हैं आप कितना बढ़िया लग रहा है केसरिया राइस। और
अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कोई कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या बनाए। वाह देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना ये देखिए। और बनाना इसको कितना इजी है देखिए, वाह देखते से ही आपके मुंह में आ जाए पानी। तो मैं भी इसको एक राइस एक चम्मच लेके टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसे बने हैं। ये देखिए मैं फटाफट से टेस्ट करती हूँ इसको। वेरी यम्मी एंड टेस्टी। आप भी इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए और वसंत उत्सव का आनंद लीजिए। कल हमसे मिलेंगे एक नई सी रेसिपी के साथ, जब तक एंजॉय। केसरिया राइस।